इंडिया जीत के, हाउ द फीलिंग ऑल टुगेदर? फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई है बहुत सारी। तो अभी फिलीपींस करना है हमें और जीतना भी है क्राउन, जुलाई में हमारा फिलीपींस है। सो वी ऑल आर, मेरा हमारा जो टीम है, नगमन सर, आदित्य सर, जेडी सर, भास्कर सर, हम सब लोग उसके प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं। सो हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट भी हो चुका है। सो अभी क्राउन लाना है अभी हमारे कंट्री के लिए। सो बस चल रहा है प्रिपरेशन। आदित्य ना पहले विनर थे और जो इंडिया इंडिया में क्राउन लाए 6 साल, ठीक है, उसके बाद फिलीपींस में उनको मेल सुष्मिता सुष्मिता सेन कहा जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, एक अच्छा अचीवमेंट है, उनको एक टैग मिला है। हम भी प्लान कर रहे हैं आगे जाके कि हम भी सुष्मिता सेन या फिर उर्वशी रौटेला इनको बुलाए वहाँ पे, क्योंकि एज अ मेल पेजेंट इतना पॉपुलर नहीं है एज कम्पेयर टू फीमेल पेजेंट्स। तो हम चाहते हैं कि ये पेजेंट भी थोड़ा सा पॉपुलर हो, एज इन इट पॉपुलर है, बट इंडिया में भी इसका पॉपुलरिज्म बढ़े इसकी वजह से। और आगे क्या प्लानिंग है? सो अभी हम कल एक चैरिटी इवेंट कर रहे हैं। सो मैं, भास्कर सर, आदित्य सर, हम चैरिटी इवेंट कर रहे हैं एक ऑर्फनेज में। फिर आगे के प्लान्स भी है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पास आते जाएंगे, वैसे वैसे हम चैरिटी इवेंट्स और बहुत सारे चीज़ें जो है, जो लगती है इन सब चीज़ों के लिए, वो करते जाएंगे। अभी है और आगे अपकमिंग प्लान्स है बहुत सारे। आपने भी उर्वशी का जिक्र किया, सुष्मिता का हमने जिक्र किया, हाँ जी, बॉलीवुड से कहाँ क्या कौन कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? बॉलीवुड से सपोर्ट अभी मैं चाहता हूँ कि सब लोग सपोर्ट करें, बट जो पेजेंट्री में है, जैसे सुष्मिता सेन है, उर्वशी रौटेला है, मानुषी श्रिलर है, अपनी हरना सिंधु है, ये सब सपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ कि इन सबका सपोर्ट मिले और हम क्राउन वापस हमारे इंडिया लेके आए। आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हैं, आप हाउ यू नो एक्साइटेड और नर्वस, व्हाट द फीलिंग ऑल टुगेदर? इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग बाय द वे, एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, बिकॉज क्राउन पहन के ऐसा हुआ है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है सर के ऊपर, जो सब लोगों का होप्स है, हमारे सर टीम का होप है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर। सो वो होप भी फुलफिल करना है और क्राउन भी इस कंट्री में लाना है वापस से। इंटरनेशनल अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इट्स अ बिग चैलेंज। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको क्या कहना है आपके बारे में कि आप कितने प्रिपेयर हैं? अभी तो प्रिपरेशन चालू हुआ है, 50% तो अभी इन्होंने मुझे प्रिपेयर कर दिया है यहाँ तक, आगे भी प्रिपरेशन चलेगा और प्रिपेयर होऊंगा मैं, और इंशाल्लाह क्राउन तो लाना ही है, तो प्रिपरेशन तो उससे अच्छा ही करना है, 100 और 100 देना ही है अपना। और हमेशा ना हमेशा सुना गया है कि वहाँ इंडिया को फेवर नहीं करा जाता, ये इट्स अ फैक्ट। या और फिलीपींस में आप जा रहे हैं तो वहाँ यहाँ से कौन है आपके साथ? यहाँ से मेरे साथ नगमन सर है, आदित्य सर है, भास्कर सर है, सो ये सब लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वरी लेस भी हूँ कि वरी नहीं है मुझे कि ये सब मेरे इतने सारे अच्छे लोग, ये लोग हैं मेरे मेंटोर है मेरे साथ, तो मुझे किसी चीज़ का इतना प्रेशर नहीं है, है प्रेशर पर इतना नहीं है, क्योंकि ये बैक में है मेरे, मेरे बैक मुझे बैकअप कर रहे हैं। सो पता है वहाँ पर कि फिलीपींस में लोग इंडियंस को नहीं पसंद करते हैं, सो इट विल बी टफ बट विल मेक थ्रू इट। जब मैं बात करता हूँ इस तरह के इवेंट्स की, जब मैं बात करता हूँ, वी हैव सीन यू नो स्टार्स लाइक जॉन अब्राहम हु केम फ्रॉम मॉडलिंग, मिलन सुमन, एक पूरी की पूरी लिस्ट है लंबी। तो बॉलीवुड की तरफ रुक करना चाहेंगे आप? बॉलीवुड की तरफ ऑब्वियसली रुक करना चाहूँगा, मेरा पैशन है एक्टिंग, मॉडलिंग और डांसिंग भी, तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी आगे जाके मिलती है सो मैं ऑब्वियसली करना चाहूँगा आगे जाके। कोई एक आर्टिस्ट, कोई एक मेल आर्टिस्ट जिसे आपको लगता है कि आप उसे उनसे इंस्पायर हैं, आगे मानते हैं? For example, John Abraham, who started his journey as a model, now is a very you know big name, known name in the industry. Yeah. So, ऐसे तो मुझे नहीं है अभी, but मैं चाहूँगा कि मैं अपना journey जो अभी नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, उनको उनसे मैं बहुत inspired हूँ, क्योंकि एक TVC से, एक model से TVC से बड़े पर्दे पे आए हैं, तो वो inspiration मुझे है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा भी जो आगे का journey है उनके जैसे ही रहे और इंशाल्लाह और आगे जाओ। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया यहाँ तक पहुँचाया? लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया, प्यार दिया है, आगे भी देते जाइए मुझे, और मैं सच में इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस देश के गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सो प्लीज सपोर्ट कीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे ऊपर प्यार बनाए रखें। किसी एक शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहें आप जिस भी मकाम पे आज पहुंचे हैं, किसका शुक्रिया अदा करना चाहें? एक शख्स नहीं है, मेरे लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो आदित्य सर है,
फिर नगमन सर है, भास्कर सर है और जेडी सर है जो हमको सिखा रहे हैं। ये पूरी टीम जिन्होंने हमको 3 दिन में इतना ब्रशअप किया है, अच्छे से हमको प्रिपेयर किया है इस मुकाम के लिए, और मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि जब हम फिलीपींस जाएंगे तो तब तक के लिए भी मुझे इतना ब्रशअप करेंगे कि हम यानी 100 और 100 दे पाए उसके लिए। सो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। सर व्हाट आई वुड से इज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील सो प्राउड एंड हैप्पी फॉर वेद बिकॉज ही इज अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट एंड ही डिड सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस लाइक पास्ट 3 मंथ्स लाइक ही हैज डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस इन दिस सिचुएशन लाइक आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग उसका पापा ही इज लेट इट्स बीन लाइक 10 डेज and even after that this candidate has performed so well and he wanted to bring crown for India so I think like this is he is the most deserving candidate whom I see among other contestants and I wish him all the very best and I really wish that he brings crown to India because he is so capable and he is working really hard me Aditya sir as well as Mohammed sir we are training him in such a way like he brings crown this time and we are expecting so much of support from the media as well as from the actor and actresses where like normally Philippine people they don't love Indians because I've been there and I know how hard it is to stay there for like 7 days to 12 days this time it's like 12 days so we are there to back up him and at the same time I want everybody to support him and to guide him thank you so much okay. How good is journey so far sir abhi tak ka journey na bahut bahut acha gaya और जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 का मैं किया पर 2023 भी मैंने राजा की तरह जिए एंड फॉर श्योर 2024 भी मैं वेद के थ्रू एज अ किंग ही जीऊँगा। ये जो मैन ऑफ द वर्ल्ड का जो लीगेसी है एक जो लीगेसी हम लोग ने चालू किया है आई रियली डोंट वांट टू गिव इट अवे टू एनीवन। ये लीगेसी मैंने 2022 से चालू किया था और इसको मैं कंटिन्यू करूँगा जब तक मैं कर पाऊँगा। मैन ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वेद आ गए हैं अब अभी हमने उनसे बातचीत की उन्होंने बताया कि कितना योगदान रहा है आपका और कैसे आपने उनको ट्रेन किया है क्या कहना चाहेंगे और एक मुझे ऐसा लगता है कि एक नए मुकाम नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं लोगों के लिए टैलेंट के लिए जो कहीं यू नो इंटीरियर्स में हैं हिंदुस्तान के बड़े दूर दूर से आते हैं लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सर जो अगर आप मेल पेजेंट्स की बात करें तो मेल पेजेंट्स ना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है मेरे हिसाब से क्योंकि जब मैं भी जीता था तो मुझे ये सवाल बार बार आता था कि एज अ मेल विनर आप उतने प्रमोट नहीं हो रहे हो जितने फीमेल्स नॉर्मली हो पाते हैं तो उस टाइम मैं कुछ कर नहीं पाया था पर हाँ उस टाइम मैंने ये फैसला किया था कि ये जो टरोमा है ये जो एक टैबू है लोगों में कि मेल पेजेंट्स आर अंडररेटेड विच इज़ द फैक्ट मेल पेजेंट्स आर अंडररेटेड वो टैबू मैं कहीं ना कहीं मैं ख़त्म करूँगा दैट इज़ माई दैट विल बी अ ट्रू सक्सेस फॉर मी नॉट एज अ किंग बट येस वी कैन बी जो भी आगे बढ़ते जाएंगे जो भी इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे उनके थ्रू आई विल लिव दैट लेगेसी एंड जो मेरा एक गोल है कि जो हमारे इंडिया में मेल पेजेंट जो है बहुत अंडर रेटेड है उसको आई विल गेट इन टू द रेटेड सेम लेवल ऑफ वॉट मिसेस मिस और मिसेस पेजेंट्स ये यही पॉसिबिलिटी है क्योंकि इतना ज़्यादा सबको ट्रेन करा जा रहा है मॉडल के लिहाज से रैंप पे वॉक कैसे करा जाता है लुक कहाँ दिया जाता है कॉन्फिडेंस कितना आता है कि भाई कितने कॉन्फिडेंस से चलना है आपको जब रैंप पे चल रहे हैं लोगों से रूबरू आपको जाके जवाब कैसे दे रहे हैं देयर आर पॉसिबिलिटी विल सी योर पीपल वॉकिंग लैक्मे और सम अदर फैशन वीक। सर अगर लैक्मे की आप बात करो तो लैक्मे में हमारे मॉडल्स पहले भी चल चुके हैं एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि द अपॉर्चुनिटीज़ व्हाट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू दोज आर द इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि नॉट टू बी फीलिंग बैड बट जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली ब्रांड्स के हैं तो इंडिया में पता नहीं क्यों पर बहुत कम जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो बहुत कम कर रहे हैं तो हम लोग का ट्राई ये रहेगा एक तो हम वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया में लेके आए या फिर हमारे मॉडल इंटरनेशनली जाके वो ब्रांड के लिए एक रिप्रेजेंटर बने। अब इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं आपके सब लोग जी तो क्या उनको टिप दे रहे हैं और आप मैं बीच बीच में कई बार सुन चुका हूँ फिलीपींस हमें पसंद नहीं करते उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी नहीं सर बात फिलीपींस की नहीं है मतलब आप कोई भी कंट्री जाओ अभी समझो अगर कोई बाहर वाला इंडिया में आके अगर कम्पीट करने वाला है तो ऑब्वियसली हमको वो अच्छा नहीं लगेगा हमको यही लगेगा कि यार इंडिया में कर रहे हैं तो हम लोग इंडिया वाला ही जीतना चाहिए सेम मेंटालिटी हर एक कंट्री का होता है तो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि फिलीपीन वाले इंडिया को पसंद नहीं करते या फिर किसी और कंट्री को नहीं करते जो भी कंट्री है अगर मैं इंडिया से हूँ तो ऑब्वियसली मैं इंडिया को ही सपोर्ट करूँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है
हर एक कंट्री का, तो किसी को ऐसा बुरा नहीं बोलेंगे कि वो लोग सपोर्ट नहीं करते, वो एक कंपटीशन है, उसको कंपटीशन की तरह लेते हैं। क्या टिप दे रहे हैं जो आपके आपकी टीम के लोग भेज जा रहे हैं और बाकी लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल पे, अब लड़ाई है उन्हें क्या? सर ये जो पैजेंट होता है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक इंसान कम्पीट नहीं करता, ये पूरा कंट्री कम्पीट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ वेद अकेले कम्पीट नहीं करने वाला, ये मैं भी वापस, भास्कर भी ले लो, मोहम्मद सर ले लो, पूरा इंडिया, तो हम एक कंट्री वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटर है नहीं वहाँ पे। तो जितनी हमसे कोशिश हो सके, वी विल ट्राई आर बेस्ट कि वो तिरंगा जो 2022 में लहराया था वो एक और बार 2024 में भी हम लहरा देंगे।